हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम फिर से लेके आए अपना करंट अफेयर का वीकली सेशन। और उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात करूँ कहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर किया जाए। ठीक है, चलिए करते हैं हम स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश ने पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हमारे तुर्की देश ने प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तुर्की देश के बारे में देख लेते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा और तुर्की की मुद्रा है तुर्किस लीरा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा करी है? तो अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार ने ऑप्शन सी, औषधीय पौधे वो पौधे जो जड़ी बूटियों या दवाइयों में काम आते हैं, उन पौधों का एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने की स्थापना करने की घोषणा करी है। ठीक है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की राजधानी हमारी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट है, किस देश ने गाजा को 500 मिलियन डॉलर की मदद देने का निर्णय लिया है? तो अभी गाजा काफ़ी चर्चा में था, इसराइल और आपके फिलिस्तान के वार के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय था। तो गाजा के पड़ोस में ही पड़ता है मिस्र देश ने 500 मिलियन डॉलर की मदद देने का निर्णय लिया है। ये उनको दिया जाएगा जो नागरिक थे और इस युद्ध के दौरान उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। मिस्र के बारे में देख लेते हैं। मिस्र की राजधानी है काहिरा और काहिरा ही मिस्र देश का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड। चलते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अभी 51वें हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है ऑप्शन बी, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और इससे पहले हमारे देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं। और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजनीतिक तौर पे राजधानी घोषित कर दिया गया था और इसकी जो नींव रखी गई थी वो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में रखी गई थी। ठीक है, उस टाइम पे जो शासक था वो था किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम ने जो ऑक्सीजन के संयंत्र हैं, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको जो बिजली की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो असम सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाएगी। असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा जो भी बने हैं और राज्यपाल है प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। ओके, नेक्स्ट है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? मेट्रोलॉजी हमारी एक स्टडी है जिसको हम बोल सकते हैं, किसी चीज़ की स्टडी करने को बोलते हैं। तो मेट्रोलॉजी में जिसकी स्टडी होती है वो होती है मेजरमेंट की। ठीक है, तो ये दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 20 मई को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइक्रोसिस को महामारी घोषित किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने म्यूकर माइक्रोसिस बीमारी है जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से आजकल काफ़ी चर्चा में है, सुनने में आ रहा है, तो राजस्थान सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? अभी पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं, तो वो है ऑप्शन बी, मोहित यूसुफ को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। ओके, नेक्स्ट है, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? तो अभी ऑप्शन डी, ईरान ने अपना एक शक्तिशाली सिमोर्ग नाम का कंप्यूटर बनाया है, जो इनका पहले शक्तिशाली कंप्यूटर था उससे ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, और इसका नाम जो रखा गया वो फिनिक्स, फिनिक्स एक पक्षी का नाम है उसके नाम पे रखा गया है। तो
ठीक है। ईरान, ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संगठन की ओर से एंटी कोल्ड मेडिसिन 2G लॉन्च की गई है? तो 2DG, सॉरी 2DG दवाई लॉन्च की गई है कोविड के लिए, कोविड पेशेंटों के लिए। तो ये हमारे जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लॉन्च करी है। और DRDO के देखते हैं, DRDO 1958 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किस देश में महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो अभी हमारा चीन, ऑप्शन बी, चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, वो लॉन्च महासागर, जिससे हम महासागर के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। वो अपने आसपास के महासागर पर निगरानी रखेगा कि कोई देश या कोई सागर के रास्ते, महासागर के रास्ते उसको लड़ने के लिए या XYZ कुछ भी हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी एक्शन तो नहीं लिया जा रहा है महासागर के अंदर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना करने की घोषणा करी है? तो अब हम सभी जानते होंगे विधान परिषद हमारे देश में अभी तक 6 हैं, और ये स्थापित होने के बाद हमारे शहर में, हमारे देश में 7 विधान परिषद हो जाएगी। तो ये घोषणा किसने करी है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा करी है एक विधान परिषद बनाने की, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में दे लेते हैं, इसकी राजधानी है कोलकाता और यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग करंट में जो हमारे विधान परिषद अच्छे हैं वो हैं, उनको ऐसे याद कर लो, उत्तर प्रदेश, बिहार दोनों आसपास हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये दोनों आसपास हैं, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये दोनों आसपास हैं, ठीक है। 6 परिषद ही हमारी है, 7वीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है बनाने की। नेक्स्ट है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड कौन बने हैं? तो अभी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के जो नए हेड बने हैं वो है सतोशी उंचीदा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमारा 18 मई को मनाया जाता है। इसको अपने एक डे वाइज अलग रिकॉर्ड बनाए, उसके अंदर लिखा करिए। अभी 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो हमारा 10वां इटालियन ओपन खिताब, पहले ये देखिए, ओपन खिताब जो भी होते हैं वो होते हैं टेनिस के, ठीक है। तो टेनिस का हमारा प्लेयर कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने अभी 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये तो हो गया। और यह किस देश से हैं? यह स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, अभी 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स जो 69वें नंबर की 2020 की बनी है वो बनी है ऑप्शन बी, एंड्रिया मेजा। ये 73 देशों में से सब अव्वल रहने वाली या प्रथम रहने वाली मिस यूनिवर्स बनी है, और इससे पहले मिस मैक्सिको खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। और हमारे भारत की एक एडलाइन कैसलिनो टॉप 4 में रही हैं, ठीक। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है? ठीक है, व्हाइट हाउस अमेरिका अमेरिका में है, जो वहाँ का राष्ट्रपति भवन है वो है व्हाइट हाउस। तो वहाँ पर जो वरिष्ठ सलाहकार यानी सीनियर एडवाइज़र बनाए गए हैं वो है ऑप्शन बी, नीरा टंडन जी, ये भारतीय मूल की है। नेक्स्ट है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अभी DCGI ने एक वैक्सीन है, वैक्सीन को 2 से 18 साल के आयु वर्ग पर ट्रायल करने की मंजूरी दी है, ठीक। तो कौन सी वैक्सीन को ये ट्रायल करने की मंजूरी दी है? तो वो है कोवैक्सीन, ऑप्शन ए, कोवैक्सीन को DCGI ने ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है 2 से 18 साल के आयु वर्ग के ऊपर, ठीक है। तो DCGI के बारे में देखते हैं, DCGI क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये जो भी दवाइयाँ लॉन्च होती हैं उनके बारे में, उनको पहले इससे अनुमति लेनी पड़ती है DCGI से, उसके बाद ही कोई दवाइयाँ लॉन्च होती हैं। नेक्स्ट है,
पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को किस देश की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये नृपेंद्र शर्मा हमारे प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव थे, इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का खिताब मिला है। ये मिला है ऑप्शन डी जापान से, जापान ने इन्हें ये दिया है क्योंकि इस टाइम पे जापान जापान को और इंडिया के बीच में दूरियां कम करी है और रिलेशन अच्छे बनवाए हैं उनका, इन्होंने जापान ने श्रेय दिया है नृपेंद्र मिश्रा जी को। ठीक है, जापान के बारे में देखते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है येन। नेक्स्ट है, किस देश ने मानव जितना बड़ा एक मेंढक की खोज करी है? तो अभी एक सोलोमन आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड में एक मेंढक खोजा गया है जो आदमी का जितना बड़ा था। ठीक है, चलिए, थैंक यू आप सभी का। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल स्कूल ऑफ स्टडी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। ओके, थैंक यू।